अमेरिका की मदद और अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने की छूट मिलने के बाद यूक्रेन मजबूत तो हुआ है, लेकिन उसका एयर डिफेंस अभी भी कमजोर है। एयर डिफेंस के मामले में यूक्रेन को अभी कोई बड़ी मदद भी मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके जो अन्य नेटो सहयोगी हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खुद भी बहुत मजबूत नहीं है। ताजा मामला पोलैंड और जर्मनी का है। इन दोनों नेटो देशों ने यूक्रेन को एयर डिफेंस के लिए पैट्रियट सिस्टम देने से मना कर दिया है। एक रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में एक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की मंजूरी दी है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका पोलैंड से एक एयर डिफेंस सिस्टम ले सकता है और उसे यूक्रेन को दे सकता है। इस पर यूरोपीय राष्ट्र के उप रक्षा मंत्री सेजरी टॉमजिक ने कहा कि पोलैंड में तैनात अमेरिका निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम पोलैंड की रक्षा करते हैं और ये किसी को नहीं दिए जाएंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इधर जर्मनी ने कहा कि वो यूक्रेन को अतिरिक्त पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकता है। उसने पहले ही देश की क्षमता का एक चौथाई हिस्सा दे दिया है। आपको बता दें कि मई में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा था कि उनकी सेना को 2 पैट्रियट की जरूरत है। इस पर ब्लिंकन ने मई में अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान कहा था, अमेरिका यूक्रेन के लिए पैट्रियट और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराए जाने पर काम कर रहा है। अब इसे यूक्रेन का दुर्भाग्य कहें या उसके सहयोगियों की मजबूरी कि पहले तो सभी लोग मदद का भरोसा देंगे, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत होती है तो उसके नेटो सहयोगी अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। पहले उसे लंबे समय तक अमेरिका से मदद नहीं मिली, जबकि उस समय उसे मदद की सख्त जरूरत थी। अगर यूक्रेन को समय रहते अमेरिकी मदद मिल जाती तो शायद वो इतनी बुरी तरह न पिछड़ता। खैर, उसके बाद जब यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिल गई तो अन्य नेटो सहयोगियों ने भी मदद का आश्वासन दिया, और अब जब उसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है तो पोलैंड और जर्मनी अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं।